बलिदान एक ऐसे महापुरुष का जो इस संसार में ईश्वर की दिव्य शक्ति लेकर हम भूले भटके लोगों का मार्गदर्शन करने आए थे। महाराज दर्शनदास ईश्वरीय शक्ति का संदेश लोगों तक प्यार से पहुंचा रहे थे कि मानवता विरोधी तत्वों की गोली का शिकार हो गए। पर शरीर की हत्या से सत्य नहीं मरता, बल्कि सूर्य की किरणों की तरह संसार को प्रकाशित करता है। महाराज दर्शनदास समस्त विश्व को छोड़ गए हैं एक अमर संदेश, विश्व शांति, देशभक्ति, प्यार, एकता और सत्य का। सत्य कभी नहीं मरता, सत्य शाश्वत है। समस्त विश्व को मानवता, शांति और अहिंसा की शिक्षा देने वाली भूमि भारत भूमि संत फकीरों की वो धरती है जहां संसार के हर धर्म को श्रद्धा और भक्ति से पूजा जाता है। संसार में जब जब अंधियारा छाया है, तब तब इसी भूमि से किसी अमर ज्योति रूपी मानव ने हर ओर रोशनी फैलाई है। भारत का सबसे समृद्धशाली और गौरवशाली प्रांत है पंजाब, जहां एक ओर यहां के लहलहाते खेतों में पंजाब की खुशबू और महक आती है, वहीं यहां के अनेक गुरुद्वारों से चारों ओर मधुर गुरुवाणी के स्वर गूंजा करते हैं। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर साहब के परिसर में आकर श्रद्धालुओं को स्वर्ग एक आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रांत के इस छोटे से कस्बे बटाला में सूफियों, संतों एवं फकीरों की परंपरा में एक महान दिव्य शक्ति ने जन्म लिया। वो पवित्र स्थान है जहां सिखों के प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा कंध साहिब स्थित है। यहीं पर अभी भी वो प्राचीन दीवार स्थित है जिसकी छाया में गुरु नानक देव जी बैठे थे। ये दीवार उस समय भी टूटी हुई थी, लेकिन गुरु नानक देव ने भविष्यवाणी की थी कि जब तक ये सृष्टि कायम है तब तक ये दीवार भी रहेगी, और आज भी ये वैसे ही स्थित है। ये कस्बा इसलिए भी प्रसिद्ध है कि यहां गुरु नानक देव की शादी हुई थी। इसी पवित्र कंध साहिब गुरुद्वारे वाली गली में एक साधारण ब्राह्मण परिवार पंडित जगन्नाथ एवं पत्नी चन्नदेई का घर है। पंडित जगन्नाथ एक यात्रा में आगरा जा रहे थे कि मार्ग में उन्हें एक सिद्ध पुरुष मिले, जिन्होंने पंडित जगन्नाथ को आशीर्वाद देते हुए बताया कि तुम्हारे घर शीघ्र ही ऐसी अलौकिक शक्ति जन्म लेगी जो इस घोर कलयुग में पीड़ित मानवता को कष्टों से मुक्ति दिलाएगी, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलेगी। पंडित जी बटाला पहुंचे तो पत्नी चन्नदेई हैरान होकर बोली कि पूजा करते समय मुझे भी ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी सुनाई दी थी। एक तो पहला भी लड़का आया सी अंधनिया, वो चला गया वापस। हाँ जी चला गया, वो वक्त तो पहला आया सी, हूँ वक्त हूँ ऐसे साल के जन्म लैन थोड़े घर कोने कोने का ना थोड़ा रोशन करने, तो फिर उस साल के फिर इन्हें जन्म ल। ऋषियों मुनियों फकीरों एवं संतों को पैदा करने वाली हिंदुस्तान की धरती की परंपरा में 7 दिसंबर 1953 को एक कड़ी और जुड़ी। भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करते हुए एक अलौकिक शक्ति पुंज ने जन्म लिया। इसका नाम दर्शन लाल रखा गया। इस बालक के चेहरे पर अद्भुत तेज था। इस बालक के माथे पर बालों के 7 गुच्छे थे। ऐसा लगता था कि वे शेषनाग के 7 फण हैं, जो भगवान विष्णु को छत्र का आवरण प्रदान करते हैं। बालक दर्शनलाल की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी, और सामान्य मानव ही नहीं ऋषि मुनि भी उनके दर्शन कर धन्य होने लगे। बालक दर्शनलाल की शिक्षा घर के पास स्कूल में शुरू हुई। ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਉੱਠ ਬੇਟਾ, ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਉੱਠ, ਛੇ ਛੇਤੀ ਉੱਠਣਾ ਫਟਾਫਟ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਕੌਲੀ ਫੜਨੀ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਬਾਲਕ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪ੍ਰਖਰ ਬੁੱਧੀ ਕੇ ਮੇਧਾਵੀ ਛਾਤਰ ਥੇ। ਵੇ ਅਧਿਐਨਸ਼ੀਲ ਬਾਲਕ ਥੇ। ਕਕਸ਼ਾ ਮੇਂ ਵੇ ਪ੍ਰਾਇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਤੇ,
लेकिन दूसरे बच्चों से अलग दिखते थे। उन्हें देखने से ऐसा लगता था कि ये बालक होनहार एवं असाधारण है। उन्हें सभी छात्र एवं शिक्षक अपना स्नेह देते थे। बड़े होनहार सी, बड़े मेरे खास बड़े प्यार सी उन्होंने मेरे स्टूडेंट होने के नाते। वैसे भी वो बहुत होनहार, मतलब शुरू तो ही उन्होंने परमात्मा लगन होंगी सी। ऐसे प्यारे दुलारे भाई का साथ देने ईश्वर ने उन्हें दो बहन प्रदान की, दर्शना और सत्यम। एक सुंदर आत्मा का वास करने के लिए शरीर भी स्वस्थ होना जरूरी है, इसीलिए शिक्षा के साथ साथ शारीरिक खेलों जैसे कुश्ती कबड्डी आदि में उनकी बहुत रुचि थी और इनमें वे निपुण भी थे। इसी कुएं से व्यायाम के पश्चात स्वयं ताजा पानी निकालकर स्नान करना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। बालक दर्शनलाल घंटों छत पर पतंगबाजी में मस्त रहते, जिसके लिए उन्हें माँ से डांट भी खानी पड़ती थी। ऐसा लगता था मानो यशोदा मैया और बालक कृष्ण का समय फिर से लौट आया हो। बालक दर्शनलाल प्रारंभ से ही धीर प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की, कोई उन्हें कंगी नहीं करनी कि बड़ा करना है, कोई ऐसा कपड़ा नहीं मंगना, कोई ऐसा कपड़ा पाना नहीं, पैसा उन्हें नहीं साढ़े को लैना, ना उन्हें कोई लैना तो ना देना, सीधे घर आना। घर आना उदो असी मझां रखियां सन, मझां भी आते रखो रखियां सन, तो आना चादर मोढ़े से सुटनी, हाथी दातरी फड़नी, जो मठियाई उठियाई घर च होनी वो कन्नी तो पानी तो पज जाए पट्ठे लैन। जब वे 13 साल के थे तो एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। रोज की तरह वे चारा उठाने लगे तो चारा नीचे गिर गया। तभी बालक दर्शन को एक आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो एक तेजस्वी पुरुष अपने सुंदर चमकीले घोड़े के साथ खड़े थे। उन्होंने अपने घोड़े के लिए चारा मांगा। दर्शनलाल चारा देकर बचा हुआ चारा उठाने लगे तो उस पुरुष ने कहा, बोझ उठा लोगे? वे बोले, इतना बोझ तो रोज उठाता हूँ। पुरुष ने कहा, ये बोझ नहीं, तुझे तो संसार का बोझ उठाना है। चारा उठाकर बालक ने ज्यों ही पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। छोटी उम्र के होने के कारण दर्शनलाल ये समझ नहीं पाए कि संपूर्ण सृष्टि का परिचालन करने वाली शक्ति उनसे मिलने आई थी या वो नियंता दिव्य शक्ति अपने प्रिय भक्त की परीक्षा ले रही थी। क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों से किस रूप में मिलेगा ये कोई नहीं जानता। इसके पश्चात उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल ही बदल गई। अब उन्हें न खाने की सुध रहती न किसी और चीज की, लेकिन उनमें एक ऐसी दिव्य शक्ति आ गई जिससे वो भविष्य काल को भी देखने लगे। कहां क्या कब होगा ये उन्हें ज्ञात होने लगा। अरे पूछिए के की गल है, बाहर कोई गल हुई है, स्कूल च कोई गल हुई है? जे तू चुप फड़ी है तू बोलदा नहीं, अंदर ना कोई गल नहीं हुई। समय चक्र अपनी गति से चल रहा था। वे लोगों के कष्ट को हरने लगे लेकिन स्वयं बहुत ही गुमसुम रहने लगे। माता पिता को इस बात की चिंता खाई जा रही थी। उन्होंने दर्शनलाल जी को मासी के घर जलंधर भेज दिया, जहां उनका वातावरण भी बदल जाएगा और कुछ कामकाज करेंगे तो मन भी बहल जाएगा। ये उत्थे गए मासी जा कहन लगे कि साढ़े पापा जी आते हैं कि मैं इन्होंने कितने बाहर नहीं जान देना, तो मेरा मन करता मैं बाहर नौकरी नाकरी करा। वो कहते तेरा दिल करता ना। फिर उन्होंने ना एक भगवान सिंह सी, उन्होंने उन्हें गल की, बर्फ वाले फैटी चू ला दिता। नेक दिल कहीं भी रहे नेक काम करेगा और नेकी से पेश आएगा। दर्शनलाल जी ने फैक्ट्री में सभी का मन मोह लिया, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन फैक्ट्री में काम करते करते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, मन बेचैन हो उठा। वे जल्दी ही घर आ गए। आते सीगे राती 2:30-3 बजे, इन्होंने छुट्टी हुई सी। उस दिन ये जल्दी आ गए 11 बजे वापस, तो मासी साढ़े कहन लगे कि भी की गल अज ये जल्दी आ गया है, कि भी कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दर्द उर्द तो नहीं हो रही? तो इन्होंने पूछ के आ, तो ये आ के इन्होंने सैकल सुटिया वेड़े के बेच, तो बिस्तरा गोल किया, तो उपर चढ़ गए छत्ते लेकिन दर्शनलाल जी तो दीन दुनिया से दूर दैविक शक्तियों से बातें कर रहे थे। वैष्णव देवी की परम भक्त मौसी को भी दिव्य शक्ति से संदेश आया कि ये हमारा बालक है, अब ये वो कार्य करेगा जिसके लिए इसका जन्म हुआ है। शनिवार ने कोई माता का ऐसी भगत
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਬੜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰੀ ਖਲੋਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ 11 ਵਜਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ। 11 ਵਜੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਪੱਠੇ ਚੁਕਾਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਰਾ ਕੁ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀ ਮਗਰ ਤਾਕਤ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਲਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 15 ਅਗਸਤ 1971 ਕੀ ਤਿਥੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੀ। ਇਸੀ ਦਿਨ 3 ਪਾਵਨ ਪਰਵ ਥੇ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਸਵਾਧੀਨਤਾ, ਪੂਰਨਿਮਾ ਔਰ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ। ਯਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਨੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੈਤਿਯਰਾਜ ਬਾਲੀ ਸੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਕਰ ਉਸਕੇ ਦਵਾਰਪਾਲ ਬਨੇ ਥੇ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ ਬਾਲੀ ਕੋ ਸਨੇਹ ਯੁਕਤ ਰਕਸ਼ਾ ਬਾਂਧ ਕਰ ਮੁਕਤ ਕੀਆ ਥਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸੀ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕੋ ਮਾਇਆ ਏਵਮ ਸੰਸਾਰਿਕਤਾ ਕੇ ਬੰਧਨ ਸੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਨਵਤਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੇ ਸਨੇਹ ਕੇ ਬੰਧਨ ਮੇ ਬਾਂਧਨਾ ਚਾਹਤੀ ਥੀ। ਇਸੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਐਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕੋ ਆਪਣੇ ਦਿਵਯ ਰੂਪ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਆਜ ਹੀ ਉਨ੍ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਾ ਥਾ ਕਿ ਅਬ ਵਹੀ ਕਾਰਯ ਕਰੋ ਜਿਸੇ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੁਮਹਾਰਾ ਜਨਮ ਹੁਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ ਕਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਤਥਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸੇ ਬਦਲ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਰਖਾ। ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਈਸ਼ਵਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਉਸੀ ਦਿਨ ਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਸ਼ 15 ਅਗਸਤ ਕੋ ਜੋਤੀ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਭੋਰਾ ਕੱਟਿਆ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਛਾ ਜਾਏ। ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਲ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ, ਇੱਕ ਜੌਂ ਖਾਣਾ ਬਸ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਕੋ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਕਾ ਵਰਤ ਰਖਾ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਏਵਮ ਈਸ਼ਵਰੀ ਅਨੁਕੰਪਾ ਕੇ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਵਰਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨਕੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਅਲੌਕਿਕ ਤੇਜ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਨਮੇ ਏਕ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾ ਗਈ। ਵੇ ਅਬ ਜਨਹਿਤ ਔਰ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਓਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋਕਰ ਆਪਣੀ ਨਈ ਯਾਤਰਾ ਪਰ ਨਿਕਲ ਪੜੇ। ਹਰ ਔਕੜ ਸੌਖੜ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਦਾ ਕਰਦਾ। ਤਤਪਸ਼ਚਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਏ। ਉਨਕੀ ਮਧੁਰ ਵਾਣੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਗੋ ਕੇ ਕਾਨੋ ਮੇ ਸ਼ਹਿਦ ਖੋਲਨੇ ਲਗੀ। ਵੇ ਲੋਗੋ ਕੀ ਵਿਭਿੰਨ ਏਵਮ ਜਟਿਲ ਸੇ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਓ ਕੋ ਭੀ ਪਲਕ ਝਪਕਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੇ ਸੁਲਝਾਨੇ ਲਗੇ। ਜਹਾਂ ਏਕ ਓਰ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਚਮਤਕਾਰੋਂ ਸੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਥੀ, ਵਹੀ ਉਨਕੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਦਿਲ ਯੇ ਬਾਤ ਮਾਨਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਏਕ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭੰਡੋਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਾਧੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਤੇ ਦੇਖਾ। ਉਨਕੀ ਆਂਖੇਂ ਵਿਸਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈ ਜਬ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ 5 ਜੋਤੀਆਂ ਏਕ ਏਕ ਕਰ ਬੇਟੇ ਕੇ ਸ਼ਰੀਰ ਮੇਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਯੇ ਦੇਖ ਵੇ ਅਚੇਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਮਾਤਰ ਸੇ ਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਨ੍ਹੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਛ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੇ ਆਪਣੇ ਭਕਤੋਂ ਕੇ ਪਾਸ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਕੇ ਖੇਤਰੋਂ ਮੇਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹਤੇ ਥੇ। ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਉਨਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਤੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਆਨੇ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਥੀ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਨਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਹੋ ਗਈ ਥੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸੇ ਕਮਰੇ ਸੇ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੋ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਰ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਗੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਲਗੇ। ਉਨਕੇ ਰਸ ਭਰੇ ਭਜਨ ਔਰ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਨੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਭੀੜ ਉਮੜਨੇ ਲਗੀ।
महाराज जी को अपने भक्तों की सुविधा के लिए एक डेरा बनाने का संदेश ईश्वर से आया। एक बार ऐसा आया कि बनारस तो एक औरत आई, वो अग्रवाल सी, उन्हों का कारोबार भी ठप हो गया, घर का बहुत माड़ा हाल सी। उन्हें कहा भी तेरे को सब कुछ हैगा वा, बेशक बाकी काम जो कारोबार ता बंद हो गया, वो तेरे को भी बहुत कुछ। उस वेले फिर वो कहती नहीं जी साढ़े कोई नहीं हैगा, वो फिर कहते कि तेरे नाँ से अजे भी 5 लाख हैगा। महाराज जी का कथन मानो सत्य वचन। उस औरत की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब वो महाराज जी द्वारा बताई जगह पर गई और उसे 5 लाख की एफडी मिली। कृतज्ञ महिला ने उसी वक्त 1 लाख रुपए बटाला डेरे के लिए महाराज जी के चरणों में अर्पित किए। ऐसे कई श्रद्धालुओं की भक्ति भावना से बटाला डेरे की स्थापना ठीक उसी स्थान पर हुई जहाँ 13 वर्ष की आयु में बालक दर्शन लाल को उस अलौकिक शक्ति के दर्शन हुए थे। बाबा भंडोले शाह की मजार के समीप उनके लोक कल्याण के कार्यों को देखते हुए दास जगदीप सिंह जी ने वो जगह महाराज जी को भेंट स्वरूप दे दी। बटाला डेरे की नींव 15 जून 1973 को रखी गई। सब सेवक अब एक दूसरे को महाराज जी की आज्ञा अनुसार जय दाते कहकर संबोधित करने लगे। बटाला जैसी छोटी जगह पर पैदा हुई इस दिव्य विभूति ने उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का संदेश सूर्य की किरणों की तरह संपूर्ण विश्व में फैला दिया। प्रारंभ में महाराज जी यहाँ एक छोटे से कमरे में सत्संग किया करते थे। वहाँ अब एक विशाल भवन स्थित है और इसी से संबंध मार्ग महाराज दर्शनदास मार्ग के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ महाराज जी दीन दुखियों की मदद करते थे और समाज के उत्थान में कार्यशील थे। वहाँ पर आज भी सचखंड नानक धाम महाराज जी द्वारा शुरू किए गए कार्यों को निरंतर तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। महाराज दर्शनदास के प्यार भरे सत्संगों की गूंज आज भी इन फिजाओं में सुनाई देती है। महाराज जी आए दुनिया वास्ते सन। मैं बड़ा प्राउड फील करता अपने आप नूं कि एक तो मैनू हिस्टरी विच के जदों भी इस चीज़ का सिलसिला आवेगा, जदों भी कोई ऐसी चीज़ सामने कदी भी दुनिया विच बनेगी तो वो साडा ये सैक्रीफाइस एक दुनिया वास्ते मिसाल एग्जाम्पल होगा। महाराज जी को सत्संग कव्वाली गजलों से बेहद प्रेम था। हाथ में एक मामूली सा डिब्बा भी आ जाता तो महाराज जी संगीत का वो समा बांधते कि लोगों का दिल झूम उठता था। महाराज जी ने स्वयं भी बहुत ही सुंदर और मधुर गीत, शेर, कव्वालियां आदि की रचना की है। देश प्रेम, मानव कल्याण तथा धर्म निरपेक्षता पर महाराज जी का शेर है। निगाहें बदल गई है, राहें नहीं बदली, इसका गम नहीं। हमारी राहें न बदले क्योंकि उन पर चलना किसी का दम नहीं। जहां महाराज जी पूरी दुनिया को अपना परिवार मान उसकी भलाई में लगे थे, वहीं उनके माता पिता की दिली ख्वाहिश थी कि उनके बेटे की भी शादी हो। ते पापा ही हाडे कहन लगे कि भी गद्दी ते बैठे ने ते रात नूं वो कम लैणा ही सीगा, क्योंकि भी जे ब्याह नहीं शादी नहीं होएगी तो साडे कोल गां किद्दां वधेगी, गां संभालण वाला मिशन कौन, मतलब संभालेगा कौन ने। कहिंदे ने ठीक है पंडित जी, शादी जरूर होएगी, तुहाडी तमन्ना पूरी करांगे। हैगा अपनी जात च नहीं होएगा, होर जात च होएगा। तो जे तुसीं औलाद दी तमन्ना रखदे हो तो गुरु नानक दे भी 2 पुत्तर से तो साडे भी 2 ही होणगे। मातृ देवो भव पितृ देवो भव की परंपरा का पालन करते हुए महाराज जी का विवाह कपूरथला में एक पटवारी परिवार से तय हुआ। महाराज ने खुद मंगया सी रिश्ता मेरा, कहिंदे असी शादी ते नहीं सी करवानी लेकिन साडे माता पिता दी तमन्ना। 4 मार्च 1976 को पटवारी परिवार की कन्या उषा जी से विवाह कर महाराज जी ने जात पात के बंधनों को तोड़ा और नारी समाज का मान बढ़ाया। इस तरह एक नई परंपरा की शुरुआत महाराज जी ने की। महाराज दर्शनदास जी के भक्त पंजाब के बाहर दूर दूर तक फैलने लगे। दिल्ली, आगरा, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, पानीपत, फरीदाबाद, रोहतक आदि कई स्थानों पर जोर शोर से सत्संग होने लगे। पंजाब के बाहर एक डेरा बनाने का ईश्वरीय संकेत महाराज जी को आया। दास गुप्ता के पुत्र अशोक गुप्ता नाम के युवक ने महाराज जी का सत्संग सुना और महाराज जी से प्रभावित होकर लोनी डेरे के लिए जगह की पेशकश की।
1976 दिसंबर में महाराज से मुलाकात हुई थी। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 77 में महाराज घर में आए थे और हमने कहा कि आप ज़मीन देखो। उन्होंने कहा ज़मीन क्या देखना, ज़मीन तो हमने देखी हुई है, हमने खुद रूहानी तौर से ज़मीन को तो देखा हुआ है, हम जानते हैं सब कुछ। और उसके 5-6 रोज़ के बाद हम उनको यहाँ ज़मीन पर लेके आए और ज़मीन साफ़ करने हमने शुरू कर दी डेरा बनाने के लिए। लोनी की ज़मीन पर सिर्फ बबूल एवं कटीली झाड़ियाँ ही उगती थी। ये ज़मीन बंजर एवं पथरीली थी। इस धरती को नागों की धरती भी कहा जाता था। उस वक्त जो ज़मीन थी यहाँ कांटेदार और कीकरदार झाड़ियाँ खड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ खड़ी हुई थी जिसमें के कहीं कहीं छोटे छोटे सर्प वगैरह रहते थे, बिच्छू वगैरह रहते थे। ये रेहाली ज़मीन थी, रेह की ज़मीन, सफ़ेद ज़मीन थी, ज़मीन अच्छी नहीं थी। 30 जून 1977 को लोनी में नए डेरे के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। महाराज जी ने अपने शिष्यों से कहा कि डेरे की सीमा के अंदर सांप बिच्छू किसी को काटेंगे नहीं और आज तक किसी को इन जीवों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। महाराज जी के नेतृत्व में भक्तों ने इस जंगली जमीन को स्वर्ग में परिवर्तित कर दिया। देखते ही देखते लोनी डेरा खड़ा हो गया। लोनी डेरे के निर्माण के दौरान महाराज जी अपने शिष्यों के साथ स्वयं श्रम दान करते एवं रात्रि के समय सत्संग चलता। दूर दूर से लोग महाराज जी की ख्याति सुनकर अपना दुख दूर करने आते और महाराज जी उनकी सेवा कर सारे कष्ट दूर करते। जीवन से निराश लोगों को भी महाराज जी की संगत में आकर फिर से जीने की तमन्ना जाग उठती थी। महाराज जी की समाज सेवी भावना और लोकप्रियता से आकर्षित होकर एक इनकम टैक्स ऑफिसर हरचरण सिंह साहनी को उनके परिवार वाले महाराज जी के पास लाए। हरचरण सिंह जी को लाइलाज कैंसर था और डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया था। हरचरण सिंह जी का पूरा शरीर पस से भर गया था जिसकी बदबू कोई भी सहन नहीं कर सकता था। महाराज जी ने स्वयं उनकी सेवा की और उन्हें एक नया जीवन दिया। साहनी जी महाराज जी के पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में डेरे के स्थायी सदस्य बन गए। कुछ अंतराल बाद महाराज जी ने अपने समाज सेवी कार्य को आगे बढ़ाने हेतु हरचरण सिंह जी को बाबा का दर्जा देकर मेरठ डेरे का नेतृत्व सौंप दिया। एक बार कपूरथला यात्रा के दौरान महाराज जी के पास एक महिला आई जिसका बेटा नशे की आदत का शिकार था। उसने महाराज जी से प्रार्थना की कि वे उसके बेटे की नशे की आदत से छुटकारा दिलाए। महाराज जी ने न सिर्फ लड़के की नशे की लत छुड़ाई बल्कि उसे अपने साथ रख उसे अपने संदेशों से अवगत करा, सच्चाई और समाज सेवा के कार्य करने को प्रेरित किया और बाद में उनका नाम दास सुंदर बाबा पड़ा। लोग ही नहीं थे जो डेरे में खींचे चले आ रहे थे, महाराज जी की सेवा में गाड़ी भी आ गई। ऐसा प्रतीत होता था जैसे श्री राम अपने पुष्पक विमान में बैठे हों। ये गाड़ी महाराज जी की बड़ी प्रिय थी। महाराज जी में अनदेखे को देखने की अद्भुत शक्ति थी। सुना था कि लिफाफा देखकर मजमून जान लेते हैं, लेकिन महाराज जी ने तो इस कथनी को सच में बदल दिया। एक दिन बैठी बड़ा परेशान सी, मैं महाराज जी नूं लैटर लिखिया, उहदी कापी करके मैं अपने रूम च रख ली। महाराज जी आए 10 दिन बाद दिल्ली तो बटाला, तो महाराज जी आंदे ही बैठे, मैंने भी बिठा लिया, माता जी ने भी बिठा लिया। तो हस के माता जी कहन लगे, अम्मा जी तुहानू पता उषा ने ब्यास लैटर लिखिया, चिट्ठी पाई है महाराज जी नूं, कहिंदे मैनू नहीं पता। फिर जो मैं उन्होंने लिखिया सी ना वही उन्होंने सेम वर्डिंग रिपीट कर दी। संसार में बहुत से लोग संपन्न एवं धनी तो बन जाते हैं, पर जब कोई शारीरिक लाइलाज बीमारी हो जाए तो मन बड़ा विरक्त और अशांत हो जाता है। ऐसी ही स्थिति से गुजर रही थी इंग्लैंड की भामरा परिवार की एक लड़की। उन्हें भी तभी चैन आया जब वे महाराज जी की शरण में आई और धन्य हो गई। असि ना 1977 च ना मेरे डैडी मम्मी और छोटा वीर जरा नन्ना है ना, असं अपने इलाज ले गए सी नवंबर महीने च। असि थोड़ा बहुत इलाज कराया 1.5 महीना है ना, पर कितने कोई खास उम्मीद जी रखी है ना। फिर ना 25 दिसंबर ना असं किसी हकीम को गए सी, किसी कारण हकीम बहर गया सी ना। सो ताया जी के जवाई कह लगे कि ताया जी इतने ना एक छोटे संत है लोनी च, तो बहुत करदे वाले सुने है ना, अगर तुम कहो तो आप उत्थे चलते हैं। असं बड़ी मुश्किल डेरे पहुँचे, सानू नीचे बिठाता फर्श से,
ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਸੰਗਤ ਭਗਤ ਆਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। इस लड़की की तरह ही देश के कोने कोने से भक्त महाराज जी का प्रेम संदेश उनके सत्संगों द्वारा प्राप्त करने लगे। जहां उनके भक्तों का परिवार बढ़ रहा था, वहीं अब माता उषा जी को भी अपना परिवार संपूर्ण करने की इच्छा मन में जागी। मेरी एक फ्रेंड दे ब्रदर दी सगाई सी, एंगेजमेंट सी, मैं उधर गई सी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲ ਚੁੱਕਿਆ ਦੋ ਸੰਤਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਕਰੋ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾਤਾ ਦੋ ਸੰਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੋ, ਖਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੀ ਦੋ ਸੰਤਾਨੇ ਹੋਈ ਥੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਨਕੋ ਵੀ ਦੋ ਸੰਤਾਨੇ ਹੋਂਗੀ। ਭਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਵਾਣੀ ਕੈਸੇ ਮਿੱਥਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋਤੀ। 7 January 1978 ਕੋ ਉਨਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਪੁੱਤਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਕਾ ਜਨਮ ਹੁਆ, ਉਸਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਉਨਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨੂ ਕਾ ਜਨਮ ਹੁਆ। ਜਦੋਂ ਕੱਸਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਓਗੇ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਸਫਾਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1979 23rd December ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਭੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਕੋ ਰੁਸਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਥਾ, ਤੋ ਫਿਰ ਭਲਾ ਉਸ ਲੜਕੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਤੇ? ਔਰ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਸਤ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਕੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੂਰਯ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਯਾ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੋ ਕੇ ਕਸ਼ਟੋ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੀ ਯਾਤਰਾ ਪਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਥਮ ਯਾਤਰਾ ਕੇ ਦੌਰਾਨ 190 ਹੈਮਸਟਡ ਰੋਡ ਬਰਮਿੰਘਮ ਮੇਂ ਠਹਿਰੇ। ਇਸੀ ਘਰ ਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾ ਮਾਨਵਤਾ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੇਂ ਚਾਰੋਂ ਔਰ ਗੂੰਜਨੇ ਲਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੇ ਜਿਹੜੇ 1579 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। इंग्लैंड में भक्त महाराज जी के तेजस्वी व्यक्तित्व से खींचे चले आते और उनके श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही चली गई। भक्त उन्हें सर आंखों पर बिठा रहे थे, लेकिन देश की मिट्टी ने पुकारा और कुछ दिन रहकर महाराज जी हिंदुस्तान लौट आए। महाराज जी ने 16 फरवरी 1980 नु ग्रहण वाले दिन साध संगत च बैठ के दास धर्म ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਾ ਭੂਲ ਗਿਓ ਬਚਨ ਗੁਰਵਣ ਕੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਵਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਪੀਰਾਂ ਪਕੰਬਰਾਂ ਭਗਤਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਆਏ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਮਝਾਈ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਕਿ ਦਾਸ ਧਰਮ ਚੱਲਿਓ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਕਿ ਦਾਸ ਧਰਮ ਕਲਮਾ ਹੈ ਚੱਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਸ ਲਈ? ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਔਗਮ ਗੁਰ ਸਾਈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ
मैं उसका मालक हाँ, मैनू ना कहा, मैं रब नहीं। अगम ताकर ने कहा, हे दर्शन मैं इस धर्म का मालक हाँ, तू अपना नाँ दे दे, शुरू कर दे, दुनिया वधेगी कदे घटेगी नहीं, दुनिया अपने आप च बेड़े पार होवणगे। 16 फरवरी 1980 के दिन भारत में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा था। जहां हर आदमी बाहर निकलने में भी घबरा रहा था, वहीं महाराज जी ने अपने भक्तों के साथ लूनी डेरे में खुले आकाश के तले गीता, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान, बाइबल आदि का पाठ करते हुए दास धर्म की स्थापना की। जय दाते के स्थान पर एक दूसरे का अभिवादन नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वत दा भला बोलकर होने लगा। इस मुखवाक में दूसरों की भलाई करना दास धर्म का मुख्य उद्देश्य हो गया। महाराज जी ने दास धर्म के 5 मूलभूत सिद्धांत निर्धारित किए। सच, सदैव सच बोलो, सिद्धक, संतोष रखो, साध संगत, पूर्ण पुरुष की संगत रखो, सर्वत दा भला, दूसरों की भलाई करो, शहादत, जो आत्मिक उत्थान में बाधाएं बने उन बुरी कामनाओं का त्याग करो। वो कहते सी के हिंदू बनना या मुसलमान बनना या ईसाई बनना ये साढ़े वास्ते नहीं है, अगर असी इंसान ही बन जाइए तो वह ही बहुत बड़ी गल हैगी है, तो सानू इंसान बनना चाहिए ना कि मजहब परस्ती बनना चाहिए। लोनी डेरा सचखंड नानक धाम के नाम से जाना जाने लगा। दास धर्म का निशान सफेद निशान साहिब रखा गया, श्वेत रंग जो शांति और अमन का प्रतीक है। 1987 में सचखंड नानक धाम के लहराते झंडे का उदय हुआ। महाराज जी ने झंडे को हरे, सफेद, केसरी और लाल रंग से सुशोभित किया। महाराज जी ने कहा कि सचखंड नानक धाम में आने वाला हर व्यक्ति दास कहलाएगा, दास धर्म मानवता की भलाई करेगा, दीन दुखियों का दर्द बांटेगा, एकता और भाईचारे का पैगाम देगा, किसी पर जुल्म नहीं करेगा और शांति का प्रतीक होगा। इस पंथ के मानने वाले लोग माथे पर सिंदूर का तिलक धारण करेंगे। महाराज दर्शन दास जी ने माथे पर लगाए जाने वाले सिंदूर तिलक के बारे में बताया। उस ब्रह्म ताकत का नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर जिन्हों ला के बड़े बड़े शूरवीर ने बहादुरियां पाईया। तिलक बारे देखो उन्होंने की किया, कहिंदा माय लॉर्ड सेज द तिलक ऑन ए फोरहेड इज माय सिग्नेचर विद इन दिस इज ट्रू कंटेंटमेंट दैट प्लीजेस मी। दास धर्म के अनुयायी सफेद वर्दी पहनेंगे, काला कपड़ा वर्जित होगा, दास शस्त्र नहीं रखेगा, अंडा, मीट, शराब, मछली आदि का परहेज करेगा। सब दास एक साथ लंगर छकेंगे और कोई भी दास ना तो दहेज लेगा ना ही दहेज देगा। शगुन में सिर्फ 125 रुपया दिया जाएगा। दास धर्म में कोई जात पात का भेदभाव नहीं होगा। दुनिया के किसी भी मजहब को मानने वाला क्यों ना हो, उसका दास धर्म में स्वागत होगा। महाराज दर्शन दास जी ने दास धर्म की स्थापना के साथ ही अरजोई प्रारंभ की। जैसे भक्तजन मंदिरों में आरती एवं गुरुद्वारों में अरदास का पाठ करते हैं, वैसे ही महाराज जी ने अपने शिष्यों के साथ अरजोई की परंपरा शुरू की। 5 वरी नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाणे सरबत दा भला पहला कहना ते 5 वरां बाद विच अरजोई निरातार। हे दाता, पहली उपमा में तेरी दाता, दूजी तेरी खुदाई, तीजी तेरी ओट आसरा, चौथी रहनुमाई, 5 करोड़ 13 मान, पंचम सांझ गाय, मैं नीच तेरे दास का दासा, तन नानक सब तेरी बढ़िया है। महाराज जी का कहना था कि जो भी डेरे में आए लंगर छक कर जाए। महाराज जी स्वयं अपने हाथों से लंगर बनाकर सबको खिलाते थे। आज भी सचखंड नानक धाम के हर डेरे में महाराज जी द्वारा स्थापित लंगर घर प्रतिदिन गुरु का प्रसाद भक्तों में बांट रहा है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। दास धर्म के जन्म दिवस 16 फरवरी के पावन दिन महाराज जी के भक्त हर साल एक विशाल और भव्य यात्रा का आयोजन करते हैं। रथ में महाराज जी की यादों को सजाकर देश के कोने कोने से दास यात्रा करते हुए लूनी पहुंचते हैं और महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दास एक एक्टिविटी है, सेवादारी है, एक नौकरी है, किसी रब की बंदे की नहीं। दास एक स्लेव नहीं है, गुलाम नहीं है, एक सेवादार। ये भी नहीं तुसी बनना तो मेरे ख्याल तुम बंदे बन जाओ, बड़ी चंगी गल। बाकी तुसी जो भी है वो और थोड़े मुँह तो नहीं पता लगना, थोड़े कर्म तो पता लगना। रब ने अस मत्थे टेकने हैं
ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਆ, ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਸਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਵੈਸ ਹੈ, ਸੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਸ਼ 1980 ਮੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਸਤਿ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਏਵਂ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਪਹਾੜਗੰਜ ਮੇਂ ਇੱਕ 7 ਦਿਵਸੀਯ ਮਹਾਯਗਯ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਸੇ ਅਨੇਕ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੀ ਸਫਲਤਾ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਥੀ। ਆਜ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲੋਂ ਕੇ ਵਿਵਾਦੋਂ ਸੇ ਘਿਰਾ ਹੈ। 1980 ਮੇਂ ਵੀ ਮੇਰਠ ਮੇਂ ਦੋ ਸਮੁਦਾਇਓਂ ਕੇ ਬੀਚ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਤਨਾਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਧਰਮ ਸਥਲੋਂ ਤੱਕ ਏਕ ਹੀ ਰਾਸਤਾ ਜਾਤਾ ਥਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਾਹ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋ ਇਸਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਤੋ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਸਥਲ ਮੇਂ ਤਾਲਾ ਲਗਾਨੇ ਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸਸੇ ਧਰਮ ਕੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸਮੁਦਾਇਓਂ ਕੋ ਬੈਠ ਕਰ ਉਸਕਾ ਹੱਲ ਢੂੰਢਣਾ ਹੋਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੋਗੋ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦਾਸ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਵਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਮੇਂ ਲੋਨੀ ਡੇਰੇ ਸੇ ਦੋ ਜੱਥੇ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਮੇਰਠ ਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ। जेल के अंदर महाराज जी के शिष्य सुबह उठकर भजन कीर्तन करते एवं शिष्य स्वयं अपने हाथों से वहां पर खाना बनाकर दोनों समुदाय के लोग बैठकर साथ में खाना खाते, ये सूचना प्रशासन तक पहुंची। बाद में स्थानीय अधिकारियों ने आश्वस्त होकर धर्मस्थल का ताला खोल दिया। दोनों समुदायों के लोगों ने सचखंड नानक धाम एवं महाराज दर्शन दास जी की मुक्त हृदय से प्रशंसा की एवं उन्हें धन्यवाद दिया। ज्योति पर्व यानी संपूर्ण मानवता को ईश्वरीय शक्ति एवं उसकी अनुकंपा की अनुभूति कराने वाला पर्व। इसी दिन सिखों के परम पूज्य श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। 1982 में महाराज दर्शनदास जी ने इस दिन एक ही मंडप में 12 शादियां बिना दहेज एवं बिना जात पात माने कराई। वो आए, उन्होंने देखा कि जिन्होंने भरा नहीं है उन्होंने भरा बन के उन्होंने भैणा का विआह किया, जिन्हों का प्यो नहीं सी प्यो बने, जिन्हां दी मां नहीं सी मां बने। जहां एक और शादी करवा कर महाराज जी ने युवा वर्ग को नया मार्ग दिखाया, वहीं उन्होंने समस्त समाज को एक ही मंच पर लाने के लिए सभी धर्मों एवं जातियों के त्योहार मिलकर मनाना शुरू किया। असली सम्राट तो वो ही है जो जनता के दिलों पर राज करता है। महाराज जी अपने भक्तों के लिए किसी सम्राट से कम नहीं थे। वो दुनिया ते ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਡੇਰੇ ਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਰਸ਼ ਉਲਾਸ ਸੇ ਮਨਾਏ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਕੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਬੂਹੇ ਸਭੀ ਮਿਲਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਮੇਂ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸਭੀ ਓਰ ਰਾਸਲੀਲਾ ਕਾ ਆਨੰਦ ਛਾਇਆ ਹੁਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਕਤੋਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਤਾ ਥਾ। इसका इजहार वे मस्त मलंग होकर करते थे। महाराज जी के दर्शन के लिए भक्तों का विदेशों से भी आने का सिलसिला जोर शोर से शुरू हो गया। डेरे के सरोवर को महाराज जी का वरदान प्राप्त था कि जो भी उसमें स्नान करेगा उसके सारे शारीरिक रोग नष्ट हो जाएंगे, 68 तीर्थों के दर्शन का भी पुण्य मिलेगा। आज भी इस पवित्र सरोवर में संसार के कोने कोने से भक्त आकर स्नान करते हैं। छोटे बड़े अपाहिज युवा बच्चे सभी इस सरोवर में स्नान कर महाराज जी के आशीर्वाद से अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाते हैं। महाराज दर्शनदास जी ने लोनी में एक जलघर की स्थापना की थी। महाराज जी ने उस जलघर को अभिमंत्रित किया था। उस जल को महाराज जी अपने भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप देते थे, जिसे पीकर लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते थे। यह परंपरा आज भी सचखंड नानक धाम के हर डेरे में निभाई जाती है। भक्त इस जल को अपने घरों में भी छिड़क कर महाराज जी के आशीर्वाद से हर दुख दर्द से मुक्ति पाते हैं। महाराज जी को इंग्लैंड के भक्तों की पुकार बार बार वहां खींच लाती थी। उनकी लोकप्रियता कस्तूरी गंध की तरह बड़ी तेजी से पूरे इंग्लैंड में फैलने लगी। महाराज जी मिशन एवं समाज कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक स्थायी जगह की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। उन्होंने 1 सितंबर 1982 को 11 चर्च रोड हैंड्सवर्थ बर्मिंघम में
सचखंड नानक धाम का स्थायी डेरा खोला। महाराज जी ने बर्मिंगम डेरे से सत्संगों द्वारा अपने भक्तों को जीवन की नई दिशा दिखलाई। महाराज जी माता वैष्णो देवी के परम भक्त थे। वे माँ के दर्शन करने माँ के दरबार में जाते थे। माँ भी उन्हें अपने दरबार में बुलाती थी। 1982 में देश पर मंडराते हिंसा के काले बादलों को देखकर महाराज जी व्यथित हो उठे। उनके अंदर का अहिंसक देश प्रेमी व्याकुल हो गया। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और शांति के लिए दिल्ली के बोट क्लब पर सत्याग्रह किया। तपती धूप में उन्होंने देश प्रेमियों के लिए अपने सत्याग्रह से देश पर भाईचारे की छाया फैलाकर जलते दिलों को ठंडक पहुंचाई। महाराज जी के मिशन की बढ़ती लोकप्रियता से कुछ समाज विरोधी शक्तियां उनसे वैमनस्य रखने लगी। उन्होंने डेरे में आने वाले भक्तों को और उनके वाहनों को बाधाएं पहुंचानी शुरू की। उन्होंने साथ ही पुलिस को गुमराह कर उनसे डेरे पर गोली चलवाई, जिसमें दास मान सिंह तथा दास बलविंदर सिंह को गोली लगी। दास मान सिंह का अस्पताल में ऑपरेशन करके गोली निकाल ली गई, लेकिन दास बलविंदर जी का ऑपरेशन करने से डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उनकी जान का जाना निश्चित था। महाराज जी का आशीर्वाद बलविंदर जी के साथ था। महाराज जी ने कहा था कि उसे कुछ नहीं होगा। डॉक्टरों का दावा था कि अगर ऑपरेशन किया गया तो बलविंदर जी की आंखों की रोशनी चली जाएगी, उन्हें लकवा भी हो सकता है। डॉक्टरों के दावों के बावजूद भी महाराज जी ने 1986 में इंग्लैंड में उनका ऑपरेशन करने को कहा। बलविंदर जी की एक्सरे को देखकर महाराज जी ने जहां गोली का निशान था वहां नानक लिख दिया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर चकित रह गए जब उनकी आशा के विपरीत महाराज जी के आशीर्वाद से दास बलविंदर जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। मातृभूमि प्रेमी महाराज जी ने पंजाब के बिगड़ते माहौल में सद्भाव लाने के लिए गाजियाबाद से अमृतसर तक एक साइकिल रैली निकाली। हर बाधा को पार करते हुए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उनके भक्तों ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। 1984 में इंग्लैंड में कुछ लोगों ने अखबार में एक विज्ञापन दिया था कि वे लंदन में तिरंगा जलाकर हिंदुस्तान की सरकार के प्रति अपना रोष प्रकट करेंगे। महाराज जी को जब ये ज्ञात हुआ तो वे शुभ्ध हो गए। उन्होंने कहा, तिरंगा तो देश की आन बान शान है। इसकी शान के लिए सैकड़ों देशभक्तों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। उनकी धरती माँ का ऐसा अपमान। तुरंत उनके आदेश अनुसार उनके शिष्यों ने शांतिपूर्ण मगर दृढ़ संकल्प के साथ इस योजना को विफल किया। देश में रहते हुए भी महाराज जी ने विदेश में भी अपने देश के तिरंगे की शान पर आंच नहीं आने दी। एक तरफ महाराज दर्शनदास जी विदेशों में भी देश का मान बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ शैतानी ताकतें भी शांत नहीं बैठी थी। 30 अक्टूबर 1984 को उन्हें सफलता मिल गई। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पूरा देश दंगों की आग में जलने लगा। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए और मानवता, करुणा, दया, अहिंसा का उपदेश देने वाली धरती भी लज्जा से शर्मसार हो गई। लोनी डेरे को हजारों दंगाइयों ने घेर लिया और गोलियां चलाई। उनके 11 निर्दोष शिष्यों ने अपने प्राणों की आहुति दी। डेरे को आग लगा दी गई और उसे तहस नहस कर दिया गया। महाराज जी के सेवक बेघर हो गए। अत्यंत दुखी महाराज जी का रूप ही बदल गया। उन्होंने इसे ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार किया। आज लोनी डेरे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये कभी नष्ट हो चुका था। आज ये एक आबाद शहर बन चुका है। भक्तों का डेरे पर लगातार आना जाना है। महाराज जी जहां आरती एवं हवन किया करते थे, वहां आज भी वो परंपरा कायम है। एक छोटे से कमरे में महाराज जी चटाई बिछाकर सोते थे। वहां उनके भक्त उनको श्रद्धांजलि स्वरूप एक भव्य पूजा स्थल का निर्माण कर रहे हैं। ये विशाल सुसज्जित पवित्र परिसर
अपने महाराज जी को उनके भक्तों की भेंट है। उन्नीस सौ चौरासी में लोनी डेरा बसाने के साथ महाराज जी अपने भक्तों का घर संसार आदि बसाने में जुट गए और पोंटा साहिब में उन्होंने स्वयं की निगरानी में भक्तों को नए व्यवसाय एवं रोजगार खोल कर दिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पश्चात कोई भी आदमी अमृतसर दरबार साहिब जाने को तैयार नहीं था, जबकि वहां पुनर्निर्माण के लिए कार सेवा की सख्त आवश्यकता थी। महाराज जी ने वहां दरबार साहिब में कार सेवा एवं लंगर के लिए बाबा संता सिंह के नेतृत्व में अपने शिष्यों का एक जत्था भेजा। इन लोगों ने वहां 2 माह तक लगातार दरबार साहिब में कार सेवा की। महाराज जी के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कई महान हस्तियां मिलने आती थी। महाराज जी ने शांति, एकता एवं मानव कल्याण के लिए इंग्लैंड के नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में विश्व शांति सम्मेलन का आयोजन किया। सर्वधर्म के नेताओं ने इसमें भाग लिया। महाराज जी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सारे भ्रष्टाचार, प्रपंचों, षड्यंत्रों, शत्रुताओं एवं बुराइयों जिनके कारण आज संपूर्ण विश्व पीड़ित है, उनका एकमात्र इलाज है प्रेम। प्रेम हर शत्रु को क्षण मात्र में मित्र बनाने की क्षमता रखता है। महाराज जी ने इस मंच के माध्यम से लोगों को शांति, अहिंसा एवं सद्भाव का संदेश दिया। महाराज जी सत्संग के लिए प्रतिदिन लगभग 400 मील तक यात्रा करते, लेकिन रात्रि में 190 हैम्स्टेड रोड के अपने आवास पर ही लौटते थे। एक निर्जीव शैया के भाग्य में शायद इस महापुरुष को अपनी गोद में सुलाने का सुख प्राप्त था। महाराज जी के भजन, कीर्तन एवं कव्वालियां रिझा देती थी। कलयुग में परमपिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र साधन संगीत है, ऐसा महाराज जी का मानना था। ਕਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੀਤਾਂ ਦੀ। ਲੰਡਨ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਵਾਣੀ ਕਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਯਸ਼ਵੰਤੀ ਨਿਰਾਧਾਰ, ਇਹ ਦਾਸ ਧਰਮ ਕਾ ਮੁਖਯ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। एक पूर्ण पुरुष मानसिक ही नहीं शारीरिक रूप से भी यथा योग्य रहे, इसीलिए महाराज जी कबड्डी जैसे फुर्तीले और चुस्त खेल से अपनी पुण्य आत्मा के लिए अपने शरीर को भी स्वस्थ रखते थे। सचखंड नानक धाम चारों दिशाओं में फैलने लगा। इंग्लैंड में 11 चर्चिल रोड के अतिरिक्त 22 समितियां महाराज जी का शांति और मानवता का पवित्र संदेश घर घर पहुंचा रही है। संसार में आज अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया यानी हर जगह सचखंड नानक धाम के माध्यम से महाराज जी का संदेश प्रसारित हो रहा है। महाराज जी ने मिशन के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत में 5 तथा इंग्लैंड में 4 बाबा नियुक्त किए। भारत के लिए उन्होंने बाबा सुंदरदास, बाबा जीत सिंह, बाबा करम सिंह, बाबा घसीटा राम और बाबा साहनी जी को नियुक्त किया तथा इंग्लैंड के लिए बाबा करनैल सिंह, बाबा लक्ष्मण, बाबा धर्म सिंह और बाबा जॉर्ज को नियुक्त किया।
महाराज जी के सत्संगों, कार्यों और सचखंड नानक धाम की ख्याति भारतीय समुदाय में ही नहीं इंग्लैंड के अंग्रेजी समुदाय में भी चर्चा का विषय बन गई। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी महाराज जी के कार्यों से प्रभावित होकर उनसे मिले। प्रिंस चार्ल्स ने अक्टूबर 1987 में एबी फील्ड सचखंड नानक धाम सोसाइटी के चेयरमैन का पद सौंपा। एबी फील्ड सोसाइटी वृद्धों की देखभाल का कार्य करती है। इसकी प्रशंसा वहां के कई अखबारों में हुई। सारे संसार के दुख का बीड़ा जिसने उठा लिया हो उसे अब स्वयं के परिवार की भी सुध ना रही। महान कार्यों की राह में ये सुख तो महाराज जी की दिव्य आत्मा को त्यागना ही था। थोड़े समय पहला आप टेलीफोन से गल की सी। 9 साल का होवांगा। महाराज जी पूछते ने खास करके कि पुत्र की चाहिए तेनों। मैं कहा नहीं डैडी जी मैनू कुछ नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद है तो उन्होंने हंसी जी सी बाद चो हसे ने वो चेता बस होर नहीं। परमात्मा का भेजा ये देवदूत समस्त पृथ्वी से दुखों को कष्टों को दूर करने के लिए रात दिन मिशन का कार्य किए जा रहा था। महाराज जी 3 वर्ष तक लगातार रात दिन इंग्लैंड के विभिन्न शहरों में सत्संग के लिए यात्राएं करते रहे। ये महान पुरुष अपने प्रयासों से धरती पर स्वर्ग की रचना करना चाहता था। 11 नवंबर 1987 बुधवार के दिन महाराज दर्शनदास जी उसी दिव्य शक्ति के आदेश का पालन कर रहे थे। वे सत्संग के लिए साउथ हॉल स्थित डामर्स वेल हाई स्कूल गए। वहां उन्होंने उपस्थित श्रद्धालुओं के मध्य सत्संग किया। वे उसे परमात्मा का संदेश दे रहे थे कि शांति, प्रेम, एकता ही जीवन की नींव है। प्रेम ही वो धुरी है जिस पर जीवन का चक्र घूमता है। लेकिन ये भी सत्य है, जैसे प्रकाश के साथ अंधकार है, अमृत के साथ विष है, वैसे ही प्रेम के साथ साथ नफरत एवं हिंसा का भी इसी धरती पर अस्तित्व है। सत्संग समाप्त कर वे नीचे आकर अपने भक्तों के संग घुल मिलने लगी। अचानक जैसे इस संसार से किसी ने रोशनी छीनकर अंधेरे का साम्राज्य कायम कर दिया। हिंसा, नफरत और क्रोध की चादर लपेटे शैतान के दूत ने महाराज जी जैसी पुण्य आत्मा पर गोलियां चला दी। महाराज जी के सामने बैठ के एक बंदे ने सामने गोली चलाई। महाराज जी पर गोलियां आगे से ही नहीं वरन पीछे से भी चलाई गई। कायरों में इतनी हिम्मत कहां होती है कि वो किसी बहादुर का सामने आकर मुकाबला कर सके। उन्होंने गोलियां दे विच एक गोली चाचा जी दे लगी, चाचा जी जोगा सिंह दे, ते एक गोली अपने दास भमरा जी दे लगी। समाज देख के उन्होंने महाराज जी अपनी सीट पर बैठे रहे ने, हौली हौली थले जाते रहे ने। महाराज जी ने संसार छोड़ा भी तो गजब रुतबे के साथ, क्योंकि यही तो वो कहते थे, मरने वाले की शान है मारने वाले की नहीं। क्योंकि वो किसी बड़े कार्य के लिए ही शहादत देता है। हॉस्पिटल पहुंचने से पूर्व ही महाराज दर्शनदास जी की आत्मा अपनी आगामी यात्रा पर जा चुकी थी। वो शहीद दिवस आज भी महाराज जी के भक्तों की आंखों के आगे छा जाता है, जब वे अपनी महाराज जी की आखिरी निशानियों के दर्शन करते हैं। ये गोलियों के निशान गवाह हैं एक दिव्य आत्मा की समाज के लिए दी गई अपनी जान की कुर्बानी की। अपने सभी भक्तों के आंसू पी जाने वाला आज खुद उन्हें रोता बिलखता छोड़ अनाथ कर गया है। भक्तों का बस चलता तो वे अपने महाराज जी पर अपनी जान कुर्बान कर उन्हें रोक लेते, लेकिन आज तो वो सब बेबस हैं, लाचार हैं। उनके महाराज जी को फरिश्ते किसी नेक कार्य हेतु इस संसार से लिए जा रहे हैं। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। एक मातृभक्त बेटे की जो अंतिम इच्छा हो सकती है वही महाराज जी की भी थी।
वे अपनी धरती माँ की गोद में हमेशा के लिए सोना चाहते थे। उनकी इच्छा अनुसार उनका अंतिम संस्कार बटाला में उसी स्थान पर किया गया जहां उन्हें सर्वप्रथम अलौकिक शक्ति के दर्शन हुए थे। आज भी इस स्थान से महाराज जी की जलती ज्योति समस्त संसार में उजाला फैला रही है। दर्शन दे दिल विच दिल हिंदुस्तान दा, जिथे पैर टिके ना किसी भी शैतान दा, असा दिना ए सिर नू कटा अपने हिंदुस्तान दिखा दे। कोई संत रूपी व्यक्ति ही विश्व शांति ला सकता है, ऐसा महाराज जी का कहना था। वही व्यक्ति संसार में प्यार, अमन और शांति का पैगाम देगा। महाराज दर्शनदास जी भारत की परंपरा के सबसे युवा उत्तराधिकारी थे। वो परंपरा जो मानवता के कल्याण के लिए धरती पर बार बार जन्म लेती है, किसी माँ के बेटे के, किसी बहन के भाई के या किसी बेटे के पिता के रूप में। जब कृष्ण भगवान बचपन में गाय चराने जाते रहे होंगे तो किसी ने न सोचा होगा कि इस बालक का जन्म धरती से दुखों को मिटाने के लिए हुआ है। ये ग्वाला अर्जुन जैसे राजकुमार को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देगा। महाराज दर्शनदास जी जब बचपन में पढ़ने जाते रहे होंगे एवं पशुओं के लिए चारा काटने जाते रहे होंगे, तब शायद ही कोई ये अनुमान कर पाया होगा कि ये बालक बहुत जल्द ही इतना बड़ा मिशन खड़ा कर देगा कि बटाला ही नहीं विश्व के दूसरे हिस्सों में उनके शिष्य होंगे। उन्होंने अपने शिष्यों को सदैव सत्य के मार्ग पर चलने को कहा। वे कहते थे, पोथी पढ़कर जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। महाराज जी सदैव कहते थे कि भक्त ईश्वर को जिस रूप में याद करता है, ईश्वर उसी रूप में अपने भक्त से मिलता है। 11 नवंबर 1987 को सिर्फ महाराज दर्शनदास जी के शरीर का अंत हुआ था, उनके उस विचार का नहीं जो सत्य और प्रेम पर आधारित है। महाराज जी ने बटाला के छोटे से कस्बे से प्रेम की जो ज्योति प्रज्वलित की थी, वो आज संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रही है और हमेशा करती रहेगी। इसीलिए महाराज जी अपने भक्तों के हृदय में आज भी जीवित हैं, उनकी धड़कन में बसे हुए हैं। सत्य शाश्वत है, सत्य कभी नहीं मरता। सत्य की तरह महाराज जी और उनकी स्मृति सदैव अमर रहेगी।